हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है। एक्सेस के अंदर एक इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले एक्सेस को ओपन करना होगा, तो एक्सेस को ओपन करने के लिए यहाँ से मैं ओपन करता हूँ। ये एक्सेस का 365 वर्जन है हमारे पास, और यहाँ पर जाकर के ये ब्लैंक डाटाबेस आएगा, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। और क्लिक करिएगा तो आप चाहे तो डेटाबेस का नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी वे में दिखा रहा हूँ, बहुत आराम से आपको समझ में आएगा कि ये कैसे करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ से एंटर कर दीजिएगा। आप जब एंटर करेंगे तो इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा, देख सकते हैं काफ़ी कमाल का इंटरफेस है, ठीक है। और बिल्कुल अलग 2016 या 19 से थोड़ा सा अलग ये इंटरफेस आपको नज़र आता है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 365 है, और यहाँ से क्या करना है आपको, ये डिज़ाइन व्यू पे चले जाना है, ठीक है। बाकी व्यूज़ वगैरह तो वैसे ही दिखाई देंगे आपको, यहाँ से चले जाइएगा डिज़ाइन व्यू पर। और डिज़ाइन व्यू पे जैसे ही जाएंगे तो ये आएगा टेबल वन। तो यहाँ पे मैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन या कैलकुलेशन ही लिख देता हूँ इस टेबल का नाम, कैलकुलेशन, ठीक है। कैलकुलेशन नाम से ये टेबल मैं क्रिएट कर देता हूँ। अब यहाँ पे पूछेगा आईडी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक बार आईडी एंटर हो जाएगी, तो आईडी को छोड़ देते हैं यहाँ पर, हमें इसका कोई काम नहीं है, इसको ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं और यहाँ पर आते हैं, ठीक है। या फिर इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, तो यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें, हमें अभी प्राइमरी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, रेट डालेंगे, आर ए टी ई। अच्छा, ये जो रेट होगा ये डेसिमल वैल्यू भी कंटेन कर सकता है, दैट्स वाई यहाँ पर हम नंबर डालने के बाद इसे बना देंगे डबल। डबल यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बना दिया, तो ये डेसिमल वैल्यू भी कंटेन कर सकता है। लेकिन लेकिन रुक जाइए, यहाँ पर इसे बना दीजिएगा क्या, परसेंटेज। क्या बनाना है, परसेंट बनाना है, तो ये परसेंट जरूर बना दीजिएगा, क्योंकि रेट यहां पर आप डालेंगे परसेंट में, ठीक है। तो इसे परसेंट बना दीजिएगा। फिर यहां पर आएगा एनपीईआर, एनपीईआर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, तो नंबर ऑफ पीरियड यहां पे देंगे तो वो डेसिमल में भी हो सकता है, तो इसलिए यहां पर नंबर करके और यहां पर इसे डबल बना लीजिएगा। बाकी आपको कुछ नहीं करना है इस वाले सेक्शन में, ठीक है। ऊपर वाला आपने देखा कैसे किया मैंने, और ये वाला आप देख ही सकते हैं। बाकी यहां पर आएगा पीएमटी यानी पेमेंट, तो कितना पेमेंट आप देंगे, कितना कितने का खाता आपने खोला, वो चीज यहां पर आएगी। तो यहां पर इसे नंबर ही रख देते हैं, या करेंसी कर सकते हैं आप, करेंसी कर दीजिए, ठीक है। तो यहां पर कर दिया है करेंसी। और अब प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू यहां पर आपको देनी होती है, ठीक है। और इसे भी हम क्या करेंगे, करेंसी ही कर देंगे, तो यहां से हम करेंसी चूज कर लेते हैं, ठीक है। ये करने के बाद आपको एक टाइप देना होता है, तो टाइप तो छोड़ दीजिए, उसको तो हमें देना ही नहीं है, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या करना है, अब हमें यहां पर टोटल कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट, तो यहां पे लिखते हैं टोटल अंडरस्कोर इंटरेस्ट, आई एन टी ई आर ई एस टी, तो ये हो गया टोटल इंटरेस्ट। और अब यहां पर आ जाना है हमें कहां पर, कैलकुलेटेड डेटा टाइप पर। तो ये आपका एक्सप्रेशन बिल्डर ओपन होता है जबकि आप ऐसा काम कर लेते हैं तब, ठीक है। अब आपको करना क्या है, कैसे कैसे कैलकुलेट करना है, क्या क्या सारी चीजें होंगी उसको बता देता हूं। सबसे पहले यहां पर आपको क्या करना है, एफ बी लेके आना है, एफ बी, एफ बी फंक्शन आपको यूज करना है, ये प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब रेट है हमारा, तो रेट को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, आर ए टी ई। अब चूंकि ये रेट है और इसको हम 12 से डिवाइड करेंगे, चूंकि हमें महीने का निकालना है, फिर कॉमा लगा देंगे। जैसे ही कॉमा लगाते हैं तो रेट देने के बाद नंबर ऑफ पीरियड देना है, तो यहां पर जो भी नंबर ऑफ पीरियड हम यहां पर डालेंगे उसका नाम है एनपीईआर, तो यहां पे हम दे देते हैं एनपीईआर। जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे ही दीजिएगा, थोड़ा भी इधर उधर करेंगे तो आपको जो है कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है, तो जैसे लिखा है एनपीईआर वैसे ही मैंने भी लिख दिया है, ठीक है। और चूंकि ये हम जो है 12 से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, और 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर क्या करना है, यहां पर इसको हम 12 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। एनपीईआर लिख दिया, छोड़ दिया, इसको कॉमा लगा देते हैं, और कॉमा लगाने के बाद क्या करना है, यहां पर अगला देखना है पेमेंट, तो कितने का आपने जो खोला है खाता, वो कितने का खोला है, तो यहां पे ये आएगा पीएमटी में, तो यहां पर ये पीएमटी में इसे दे देंगे, तो यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे पी एम टी, तो ये हो गया। फिर कॉमा दे दीजिएगा, और कॉमा देने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही कॉमा दे देते हैं तो फिर यहां पर आएगा क्या, ये प्रेजेंट वैल्यू हो ही चुका है हमारा, तो यहां पे जीरो दे देंगे, और जीरो दे करके ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, और क्लोज करके यहां पर ओके प्रेस करेंगे, देन व्यू पे
क्लिक आपको कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको टोटल रिजल्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा जो कि आपके सामने है। अब आप कहेंगे कि ये सॉफ्टवेयर कहां बना है, तो बिल्कुल बन गया है, अभी आपको नजर भी आने वाला है। तो यहां पर मान लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, सपोज कीजिए 5.5%, तो ये 5.5 लिखा हमने, 5.5%, और ये कितने दिनों की बात हो रही है, तो यहां पर 12 महीने की बात हो रही है, ठीक है। एनपीआर या यहां पे 1 कर देते हैं, 1 ईयर हो जाएगा ये शायद, तो ये 1 कर देते हैं। और कितने का हमने अकाउंट खोला है, तो 500 रुपए का खोला है, ठीक है। तो 500 रुपए, अच्छा यहां पे प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी, तो प्रेजेंट वैल्यू तो फिलहाल मैंने 0 रखा है, लेकिन यहां पर आप देखिए अभी -500 आ रहा है, और यहां पर मैं क्या करता हूं 500 दे देता हूं, यहां पे 500 दे देता हूं, प्रेजेंट वैल्यू तो 500 बन जाएगी इसकी, ठीक है। और यहां पर ये देखिएगा, ये 1 महीने की बात हो रही है, तो यहां पर हम 12 महीने की बात करेंगे, तो 12 महीने के हिसाब से आप देख सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, टोटल जोड़ के यहां पे कैलकुलेट करके दे रहा है 5.5% के हिसाब से। और ये माइनस में इसलिए दे रहा है क्योंकि यहां पर ये पैसा हमारे जेब से जा रहा है, दैट्स व्हाई ये माइनस में दे रहा है। इस माइनस को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वापस डिजाइन व्यू पे ले लीजिएगा, और यहां पर जो कैलकुलेटेड लगाया है ना, ये कैलकुलेटेड डेटा टाइप जो लगाया है, इसमें आकर के एफवी के ठीक पहले माइनस लगा दीजिएगा बस आप, और अब ओके कर दीजिए, यानी एंटर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहां से ओके कर दीजिए और देन यहां इस पे क्लिक कर दीजिए, तो मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो देखिए यहां पर सब कुछ कैलकुलेट होता हुआ नजर आ रहा है, और यहां पर जो भी इंटरेस्ट रेट देंगे उसके हिसाब से आपका कैलकुलेशन होता चलेगा। मान लीजिए कि सुकन्या समृद्धि योजना में खाता खोल दिया, तो यहां पर 8% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और अगर हम बात करें 12 महीने की कितना रुपए दे रहे हैं, तो यहां पर देख सकते हैं, ये देखिए अगर हम 1000 रुपए महीने जमा करते हैं, ठीक है, ये देखिए, तो यहां पर अभी अभी तो हमारा स्टार्टिंग वैल्यू क्या बनेगा, 1000 से खाता खोला है तो 1000 रुपए बनेगा, तो यहां पे 1000 डाल दीजिए, और 1000 डालने के बाद आप देखेंगे कि यहां पर टोट है उसी रेट के हिसाब से आया हुआ है, ठीक है, यहां पर जो है उसी रेट के हिसाब से आया हुआ है। अगर हम यहां पे चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए यहां पर हम इस बार 7.5% कर देते हैं, 7.50%, तो ये हो गया, और ये 12 महीने में, ठीक है। और फिर यहां पर क्या करेंगे, यहां पे 500 रुपए ही कर देते हैं, तो ये 500 रुपए हो गया, और स्टार्टिंग वैल्यू क्या बनेगी इसकी, तो 500 रुपए ही बनेगी, तो यहां पर 500 कर दीजिए, और अब यहां पर आप देखेंगे कि 6210 रुपए आ रहा है, यानी 12 महीने अगर ये जमा करेंगे 500 रुपए, तो 12 महीने में कितना रुपया जमा होगा, 12 महीने में जो रुपया जमा होगा वो होगा आपका 6000, और बाकी 210 रुपए 60 पैसे जो है ब्याज इसका बन रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। उम्मीद करता हूं कि पूरी की पूरी बात समझ में आई होगी। ये एक्सेल में ही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में भी ऐसा आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए आप क्रिएट पे जाकर के यहां से जाकर के फॉर्म बना सकते हैं, तो आप चाहे तो फॉर्म विजिट से जाइए या ब्लैंक फॉर्म भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे शो टेबल्स नजर आएगा, तो इसे तो पहले डिजाइन व्यू पे ले लीजिएगा आप, और यहाँ पे कैलकुलेशन वाली टेबल को ओपन करके जो जो चीजों की जरूरत हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेट की जरूरत पड़ती ही है, एनपीईआर की जरूरत पड़ती ही है, पीएमटी की जरूरत पड़ती ही है, और पीवी की जरूरत हमें है ही, तो जिन जिन चीजों की जरूरत है उन चीजों को आप यहाँ पे ले लीजिएगा, यहाँ पे ड्रैग करवा के ले आइएगा, और फिर यहाँ पर लास्ट में टोटल को भी ले आइएगा। और यहाँ पर एक खास काम आपको करना है, ये क्या काम हो सकता है वो बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं पहले फिल कर देता हूँ किसी कलर से ताकि ये देखने में ठीक ठाक लगे, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, और इन सबको भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसे बोल्ड बना देता हूँ, तो ये थोड़ा देखने में ठीक लगेगा। और आप चाहे तो ऊपर टाइटल दे सकते हैं, ठीक है, फिलहाल मैं टाइटल दे नहीं रहा हूँ। आप चाहे तो शेप को भी आउटलाइन दे सकते हैं, कौन से कलर में ये शेप दिखेगा आपका, तो यहाँ पर ये ब्लैक कलर किया है हमने, ठीक है, और सारी चीजें एकदम क्लियरली नजर आ रही होंगी आपको। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें होम टैब पे जाकर के, और यहाँ पर एक फॉर्म डिजाइन मिलेगा, तो जब फॉर्म डिजाइन पे जाएंगे तो यहाँ मिलेगा प्रॉपर्टी शीट, और यहाँ पर फॉर्म को चूज करके और यहाँ से पॉपअप को आप यस कर दीजिएगा, तो आपको एक सॉफ्टवेयर जैसा लुक नजर आएगा। इसको सेव करेंगे हम, और ये फॉर्म 1 है, तो यहाँ पे कैल इंटरेस्ट के नाम से INTEREST इंटरेस्ट के नाम से इसे सेव कर देता हूँ, और जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये कुछ इस फॉर्म में ओपन होगा जो कि आपको एक सॉफ्टवेयर जैसा लुक देगा। अब लेकिन यहां पर देखिए ये हैश वैल्यू आ रही है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैश वैल्यू, ये हैश वैल्यू क्यों आ रहा है, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, ये हैश वैल्यू इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका कॉलम जो लिया है हमने, यहां पर देखिएगा ये जो कॉलम लिया है फॉर्म के अंदर, ये पड़ गया है छोटा, दैट्स वाई ये हैश वैल्यू एरर आ रहा है, ठीक है। अब यहां पे क्लिक करिए तो देखेंगे कि ये इस तरीके
का इंटरफेस आपको दिखेगा। सारी चीजें बहुत क्लियरली हैं, ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी। इसी तरीके का यहां पर देखिए, ये टोटल इंटरेस्ट ये छिपता हुआ नजर आ रहा है, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, यहां पर आकर के यानी इसको पहले क्लोज करेंगे, पेपर के क्लोज कर दीजिए, और इसको डिजाइन व्यू पे लेकर के और यहां पर चेंजेस कर दीजिए। यहां पर आएंगे तो इसको यहां से इस तरीके से लेंगे, अब देखिए ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा, और यहां पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब ये टोटल इंटरेस्ट पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है। और यहां से चाहे तो नीचे जा सकते हैं आप, यहां पे देखिए अगला वाला कितने का है, अगला वाला कितने का है, यानी नेक्स्ट आपको जाना है तो यहां से जा सकते हैं। आप चाहे तो इसके लिए बटन भी क्रिएट कर सकते हैं, बटन तो क्रिएट करना लगभग मैंने कई वीडियोज में सिखाया है, तो यहां पर भी बता देता हूं। देखिए फॉर्म डिजाइन पे हैं हम, ठीक है, और यहां पर आपको क्या करना है, फॉर्म डिजाइन पे रहते हुए ये तो फॉर्म डिजाइन है हमारा, और यहां पर देखिए ये कंट्रोल है हमारा, तो ये कंट्रोल पे जाएंगे ना तो नीचे आपको मिलेगा बटन, ठीक है, कहां मिलेगा बटन उसको देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए ये आपका बटन है, क्लिक कर दीजिएगा एक बार, मैं एक बटन बना के दिखा देता हूं, बाकी आप बनाते रहिएगा। यहां पे इसे ड्रैग करवा लीजिएगा। अब मान लीजिए कि गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड का बटन बनाना है, तो यहां पे गो टू नेक्स्ट रिकॉर्ड पे चले जाइए, नेक्स्ट करिए, और यहां से टेक्स्ट पे जाके और इसको कर दीजिए फिनिश। तो ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा, देख सकते हैं बेहतरीन ये सॉफ्टवेयर बनता हुआ आपको नजर आ रहा है। यहां पे नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाएंगे तो ये नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट आएगा। इसी तरीके से आप प्रीवियस रिकॉर्ड को भी लेके आ सकते हैं और इंटरेस्ट कैलकुलेशन का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, इसके लिए आप आगे रिपोर्ट भी डिजाइन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल जिसका कि नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेस सॉल्यूशन से सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू।